मतगणना शुरू होने के साथ कुछ मिनटों बाद ही बीजेपी ने यूपी की लगभग हर सीट पर बढ़त बना ली थी। जैसे जैसे समय निकलता गया तो बीजेपी की जीत लगभग तय हो गई थी और जैसे ही आंकड़ा पूर्ण बहुमत की पार हुआ उसी के साथ बीजेपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। होली से पहले जहां सभी रंगों से सराबोर नजर आए, ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता नाचते गाते अपनी खुशी जताई। हजरतगंज की सड़कों पर बुलडोजर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते दिखे। इस अवसर पर बीजेपी नेत्री अपर्णा विश्व यादव के घर पर भी उनके समर्थकों ने उनके साथ जीत का जश्न मनाया। इसके बाद अपर्णा यादव विजय रथ के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंची और जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी जी को ढेर बधाइयां दी। कैंट क्षेत्र से विजेता विजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक ने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों देखिए ये सब बातें सरकार में और इस तरीके की बात देश का विश्वास जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या काम प्राथमिक क्या कर रहे हैं? वही चल रही है, देखिए हम लोगों को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और हम लोग काम कर रहे थे, जमीन में रहकर काम कर रहे थे, उसका परिणाम आपने देख लिया। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। एक बार इससे बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार यूपी में बनाने जा रही है, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है और दोबारा सरकार बना रही है जो कई वर्षों से नहीं हो रहा था। एक बार एक पार्टी की सरकार बन चुकी, दूसरी बार दूसरी पार्टी की, तो इस बार रिपीट कर रही है हमारी सरकार। ये सबसे पहले हमारी उपलब्धि है और ये हमारी जीत, अगर मैं मोदी जी की बोल रही हूँ, कल्याणकारी बोल रही हूँ, योगी जी की जीत है। उन्होंने महिलाओं सुरक्षा की जीत है और हम सब की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। एक व्यवस्था की जो उन्होंने पहली बार व्यवस्था दी उनको कहा करके दिखाया, पहली बार यूपी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी ने दो बार सरकार बनाई है और बीजेपी इस बार बहुमत से नहीं प्रचंड बहुमत से आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रचंड बहुमत से आने का कारण जिस तरीके से सपा और बसपा की सरकार में गुंडागर्दी और अपराधीकरण बहुत हावी था, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी। आज जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने उन पर कार्रवाई की, बुलडोजर चलाने का काम किया, माफियाओं ने जो गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया था, जमीनों को खाली कराने का काम, उस पर बहुत अत्याधुनिक चीजें डेवलप की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा था, जहाँ एक तरफ महिलाएं सुरक्षित है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन से जी रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उत्तर प्रदेश में अभी जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, तो जहाँ डबल डोज दी गई, अध्ययन दिया गया, गरीबों को जो लोग नहीं काम कर पा रहे थे उनको भी जीवन यापन के लिए काम किया गया। ऐसे समय में निश्चित रूप से ये तय था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ही प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, पर वैसा ही हुआ। देखिए ईवीएम मशीन में जहाँ हथौड़ी और ये लोग बता रहे थे कि पेचकस लेकर के घूम रहे हैं, ये लोग एक्चुअली में मैं समझता हूँ कि लोगों को ज्ञान नहीं है। ईवीएम मशीनों में आजकल कंप्यूटर से सब सिस्टम होता है और उसमें हथौड़ी का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पर कोई किसी तरीके का प्लम्बरिंग का काम थोड़ी ना होता, लेकिन ये लोग नहीं जानकार हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कहकर के उत्तर प्रदेश की जनता में अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। जो मैंडेट आया है उसके बाद मुझे लगता है कि इन लोगों की अफवाहों को विराम लग जाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा श्रेय उस जनता को जाता है जिन्होंने विश्वास करके पुनः हमारे योगी जी को वोट किया और भाजपा की सरकार में। मैं बार बार जनता को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने विश्वास के साथ अपना अमूल्य वोट देकर हमारी सरकार बनाई। बहुत बहुत जय जय श्री राम।
कहना चाहेंगे सब तक? हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि इतने अच्छे इतने लोग प्रिय विधायक हम लोगों मिले हैं और हम आगे और अच्छे से काम करेंगे। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।